students, today we will start with exercise 9.3. In this exercise, we will learn how to multiply a monomial with a binomial. Binomial means two terms. Monomial means one term. तो मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करना है. इन द लास्ट एक्सरसाइज वी हैव लर्नड हाउ टू मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स. कि मोनोमियल्स टू मोनोमियल्स हैं आपके, मल्टीप्लाई कैसे करने हैं. सिंपल था उसमें कि आपने नंबर को नंबर यानी कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है. 10 5 50 और आपके m और n आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे. बट अगर आपके दोनों में वेरिएबल सेम आ रहा है, जैसे y इसमें भी आ रहा है, y इसमें भी आ रहा है, तो इनकी पावर्स प्लस हो जाती है. 1 + 2 यानी y की पावर जो है आपकी 3 आ जाएगी. तो ये तो था मोनोमियल का मोनोमियल से. नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई द मोनोमियल विद बाइनोमियल. लाइक आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, 4p. तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि मोनोमियल को हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और बाइनोमियल जो है जिसमें आपकी टू टर्म्स है, इवन की 3 टर्म्स भी है, ट्राइनोमियल भी है, तो हम उसको ब्रैकेट में रखेंगे, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल दोनों को ही. तो अब हमने क्या करना है कि ये जो मोनोमियल है आपका इससे भी मल्टीप्लाई होगा. जब आप 4p को q से करोगे तो 4p इंटू q यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4p q. अब आपका ये प्लस साइन है तो हम यहाँ पे प्लस डाल देंगे. अब हमने क्या करना है कि इस 4p को दूसरे r से भी मल्टीप्लाई करना है. तो 4p इंटू r यानी आपका 4pr. तो दिस विल बी योर अल्टीमेट आंसर. तो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि वो बाइनोमियल के दोनों ही टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा. 4p आपका इससे भी होगा और इससे भी होगा. अगर आपकी ट्राइनोमियल है तो तीनों से ही मल्टीप्लाई होगा. जैसे आप इन क्वेश्चंस में देख सकते हैं, अब ab है, ab आपकी मोनोमियल है, हमने इसको ब्रैकेट से बाहर रखा. a - b आपका बाइनोमियल है तो वी हैव पुट इट इनटू द ब्रैकेट. अब ab आपका जब a से मल्टीप्लाई होगा, तो ab जब आपका a से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने किया था कि ab जो है a से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो मल्टीप्लाई में हमने पढ़ा था कि जब आपका a वेरिएबल आपके ये है तो a की पावर्स प्लस हो जाएंगी, यानी 1 + 1 क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा. और b आपका सिंगल है तो ये आ जाएगा. तो ये a²b बन गया जब आपने ab को a से किया. जब आप ab को b से करोगे तो आपका b 2 times आ रहा है, तो b की पावर 2 हो जाएगी. सेम वे आपने ये सभी मल्टीप्लाई कर लेने हैं. a + b आपने बाइनोमियल है ब्रैकेट में रखा, मोनोमियल है आपने यहाँ ब्रैकेट से बाहर रखा. अभी 7a² ab a + b है, तो 7a² को जब आप a से करोगे, 7a² को a से करोगे, तो 7a² b² आपका a से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब आप देख सकते हो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में आपके a की पावर जब प्लस हो जाएंगी तो 7a की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 1 = 3. और b ऐसे ही है तो एज इट इज रहेगा, b की पावर 2. तो आपने सेम वे यहाँ कर लेना है. तो इसमें बस आपने ये ध्यान रखना है कि मोनोमियल जो है वो बाइनोमियल के दोनों ही पार्ट्स से मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है कि a की पावर है, ये तीनों ही आपके मोनोमियल्स हैं, तो सेम वे से मल्टीप्लाई कर लेंगे. a है सभी में तो पावर्स प्लस हो जाएगा, 2 + 22 + 26 यानी a की पावर 50. सेम वे यहाँ है आपका क्वेश्चन. अब आपका ये मोनोमियल है कि आपका ये पूरी एक टर्म है, सेकंड ये टर्म है, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है. तो -10/3 और 6 × 5, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हम कैंसिलेशन कर सकते हैं बिकॉज न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं. तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. तो अब आपके पास ये माइनस बचा, 2 × 2 = 4. पी आपका पी की पावर 1 है और यहाँ पी की पावर 3 है, तो पी की पावर 4 आ गया. और क्यू की पावर यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 + 1 = 4 आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सिंप्लीफाई
3x into 4x minus 5 plus 3 and find its value for x is equal to 3 and x is equal to 1 by 2. Now, first you have to simplify. Simplify का मतलब क्या होता है कि जितना आप plus minus multiply कर सकते हैं सबसे पहले वो करना है. तो अब हम देख सकते हैं ये monomial है और ये binomial है, तो ये हम सबसे पहले इसको दोनों टर्म से करेंगे. तो 3x को 4x से किया तो आपका क्या आ गया, 3 4 जा 12 और x की पावर प्लस होगी x square. अब आपका जब 3x 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 5 3 जा 15 आ गया, x आ गया, तो ये प्लस 3 है. अब आप इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे x square है और यहाँ x है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम इन्हें आपस में प्लस नहीं कर सकते और इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है, दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म. तो अब हम इससे ज़्यादा इसे सॉल्व नहीं कर सकते. तो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन. x इज इक्वल टू 3. अब इसका मतलब क्या है कि x की जगह आपने 3 पुट कर देना है. x की जगह 3 पुट कर देना है मतलब ये क्या आ जाएगा, 12 को 12 लिखेंगे हम, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 12 इंटू 3 की पावर 2. तो जब हम 12 इंटू 3 की पावर 2 करते हैं यहाँ पे तो क्या इसे लिखेंगे, 12 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 15 इंटू 3, क्योंकि माइनस 15 एक्स का मतलब इंटू एक्स है तो इंटू 3, एक्स की वैल्यू हमने 3 कर दी, प्लस 3. तो ये 3 क्योंकि आपकी पावर 2 है तो ये 3 टू टाइम्स रिपीट होगा आपका, तो 12 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा आपका. तो सेम वे आई हैव रिटन है कि 12 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3, तो 108 माइनस 45 प्लस 3, तो आपका ये 66 आंसर आ गया. सेम वे आप नेक्स्ट पार्ट कर सकते हो, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1/2. तो 12 का 12 आ गया, x की पावर 2 है मीन्स x आपका 2 टाइम्स रिपीट होगा, तो वैल्यू को ही 2 टाइम्स रिपीट कर लेते हैं हम. माइनस 15 इंटू x था तो x की वैल्यू 1/2 प्लस 3, तो ये आपका सेम टेबल से कैंसिल हो गया. तो अब हम इसको आगे LCM लेके सॉल्व कर लेंगे, तो योर आंसर विल बी माइनस 3/2. नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपका कि आपने पहले सिंप्लीफाई करना है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करके. नाउ सिंप्लीफाई में अगेन आपका ये मोनोमियल है एंड दिस इज द ट्राइनोमियल, तो a को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे. तो a को जब आप a स्क्वायर से करोगे तो ये 1 प्लस 2 पावर 3 बन जाएगा, और जब आप a को a से करोगे तो 1 प्लस 1 a की पावर 2, और a को 1 से करोगे तो a ही आ जाएगा. ये अब ये सारे जो हैं डिफरेंट हैं वेरिएबल्स, ए लाइक वेरिएबल्स नहीं है क्योंकि यहाँ a की पावर 3 है, a की पावर 2 है, a है, तो इनको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते. तो वी विल पुट द वैल्यूज. नाउ a की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 0 इंटू 0 इंटू 0 तो 0 ही होता है, सो योर आंसर विल बी ओनली 5. ए की वैल्यू 1 पुट की, नाउ अगेन ए की वैल्यू माइनस 1 पुट करके तो हम आंसर निकाल लेंगे. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऐड दिस दिस एंड दिस. अब आपने इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस साइन डाल देंगे. बट बोटमैस के रूल के अकॉर्डिंगली कि हमें पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मोनोमियल जो है इन दोनों बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रही है, ये बाइनोमियल है. तो p को जब p से किया तो p स्क्वायर आ गया, p को जब q से किया p q आ गया. सेम वे आपका ये q को q से किया q स्क्वायर आ गया, q को r से किया q r, r को r से r स्क्वायर, r को p से किया r p. तो अब हम देख सकते हैं यहाँ भी कोई भी टर्म सेम नहीं है, सारी टर्म्स के वेरिएबल डिफरेंट है, कोई भी एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड हम प्लस डाल के कर लिया, बट ऐड करने से पहले हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2x आपका z से होगा तो ये आएगा, 2x जब आपका x से हो गया तो ये आ गया, 2x जब y से हो गया तो ये आ गया, और अगेन आप 2y को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये तीनों टर्म्स आ जाएंगे. अगेन यू कैन सी कि आपका जो है जो टर्म्स आपकी प्लस हो रही है, जैसे आपका माइनस 2xy है और यहाँ पे भी आपका माइनस 2xy है, तो ये आपका माइनस 4xy बन गया, क्योंकि xy
एक्स वाई ये सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में आपके प्लस हो सकती हैं। तो आपने ये माइनस फोर एक्स वाई बना लिया, बट इसके अलावा आपकी कोई टर्म प्लस नहीं हो रही है। एक्स जेड आपका देखो कहीं भी नहीं है, एक्स जेड कहीं नहीं है। सो आपकी बाकी टर्म्स एज इट इज रहेगी। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो अगेन आप सब्ट्रैक्ट में हमें पहले भी किया था कि हम ये टर्म पहले लिखेंगे, दिस टर्म इज रिटन हेयर एंड माइनस, बिकॉज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सो वी विल पुट माइनस साइन हेयर एंड सब्ट्रैक्ट दिस वन, मीन्स आप ये वाली टर्म यहाँ लिखोगे। तो अब हमने लिख दिया, तो 4l आपका इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। 4l को जब 10n से किया 40ln आ गया, 4l को आपने 3m से किया तो 4 3 12 lm, 4l को 2l से किया तो 4 2 8l2। सेम वे आपका 3l आपका इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। नाउ अब आपका एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने माइनस में, कि आपने इन तीनों के, अब ब्रैकेट खोलोगे तो आप इन तीनों के साइन चेंज करोगे। तो आपने ये ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई की है कि ताकि आप जब ब्रैकेट खोलो तो उनके साइन चेंज करना आपको याद रहे। अगर आप साइन चेंज नहीं करोगे तो योर क्वेश्चन विल गेट रॉन्ग। तो आपका ये साइन चेंज हो गया, माइनस 3l स्क्वायर आ गया, ये प्लस 12lm आ गया और ये प्लस 15 था तो माइनस 15 हो गया। नाउ अब माइनस 12lm और प्लस 12lm आपके कैंसिल हो गए, तो अब आपका 40ln और ये भी ln है तो ये आपके माइनस हो गया, तो आपका क्या आ गया 25ln और 8l स्क्वायर माइनस 3 यानी 5l स्क्वायर। सेम वे आपका नेक्स्ट है कि सब्ट्रैक्ट दिस। Now, this expression is a bigger one. So, we will solve this. क्योंकि आपको ये subtract करना है और subtract from this one. तो ये बहुत बड़ा expression है. First of all, we will solve it. कि सबसे पहले हम इसी को solve कर लेंगे. तो हमने यहाँ solve कर लिया, ये as it is लिख दिया. But now, अब आपका ये 3a जो है, इन तीनों से multiply होगा. तो ये तीनों से multiply होके ये आ गया. अब माइनस है तो माइनस 2 भी अब आपका अगेन इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो आपके ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप अगेन, क्योंकि आपका ब्रैकेट से बाहर माइनस था, ये इस क्वेश्चन में से शुरू से आ रहा है, तो माइनस होने की वजह से अब आप इन तीनों टर्म्स के साइन चेंज कर दोगे। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस 2a भी है तो माइनस 2a भी हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस साइन चेंज हो गए। अब आप लाइक टर्म्स को प्लस कर सकते हो। अब आपका ये सिंगल एक्सप्रेशन बन गया है। तो अब हम इसको, क्योंकि ये हमें सब्ट्रैक्ट करना था तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दिस वन। तो ये हम पहले लिख लेंगे, सेम चीज़ हमने ये यहाँ कॉपी कर ली है, माइनस। अब क्योंकि हमें ये सारा सब्ट्रैक्ट करना था तो इस सारे की जगह हमने इसका जो सॉल्यूशन निकाला था वो कर दिया है, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। अगेन आपका बिकॉज सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ ऑल दीज टर्म्स। आपने इन सभी के साइन चेंज करने हैं तो ये आपके साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सेम। तो अब आप लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर सकते हो। यू कैन सी कि आपके 4c आपका अगेन इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो गए। तो अब आपके जब लाइक टर्म्स को आप प्लस माइनस कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर।